राजस्व विभाग का अमला राजगढ़ नगर के आदेश्वर मंदिर के पीछे पहुंचा, जहां राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर बनाए गए मकानों पर कार्रवाई करते हुए अंतिम बेदखली के आदेश पारित किए थे। वहीं आज उन 6 मकानों को राजस्व विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। आदेश्वर मंदिर के पीछे शासकीय भूमि पर बने मकानों पर विभाग द्वारा कई दिनों से कार्यवाही की जा रही थी। विभाग ने अंतिम बेदखली के आदेश भी पारित किए थे। मामले में राजस्व विभाग ने शासकीय जमीन बेचने वालों पर कार्यवाही भी की है। वहीं SDM न्यायालय में मामला अभी भी जारी है। जिन लोगों ने शासकीय भूमि पर प्लॉट खरीदकर मकान निर्माण कर लिया था, उनके मकान आज राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए तोड़ दिए गए। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिससे पूरा मोहल्ला छावनी में तब्दील हो गया। मकान को ध्वस्त करते समय मकान मालिक महिला सोनू तहसीलदार सुनील जायसवाल के पैरों में लिपट कर रोने लगी। महिला का कहना था कि उसने लोगों के घर बर्तन साफ करके यह मकान बनाया है एवं उसका पति भी नहीं है। मकान टूट गया तो हम बेघर हो जाएंगे। पटवारी, बाद में पता चला कि कोई वो इतनी सी मूछ वाला है, वो क्या बोलते हैं उसको, राजू चुड़ावद उसका नाम लेता था वो, कि वो पटवारी आया ला पैसे दे, बोले 10,000 दे 15,000 दे, वो पैसे मांग रहा, पैसे ले लेगा तो चला जाएगा। वो साहब इधर उधर से लोगों के घर से पैसा लेके मैं उसको दे देती थी जी। वो चला जाता था, काम रुक जाता था, फिर बन के नहीं, ये तैयार हो गया साहब, तब तक कोई भी नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी आया ना, कुछ भी नहीं आया। 3 तारीख को जब तोड़ने आया, उसके 16 दिन पहले ही ये मेरे से आया, बोले कि ला तेरा पट्टा बन रहा, बोले या 4 फोटो कूपन की फोटो काफी, और वो जो स्टाम्प दिया था मेरे को, वो स्टाम्प लेके गया, बोले लेके चला गया। किसी कोई रजिस्ट्री इसकी वो नोटरी कराई। नोटरी है आपके पास? हाँ नोटरी है मेरे पास, और इसमें 4-5 लोग और थे, लाला महाराज और शौकत भाई जान। हाँ। इन लोगों ने बेचे सर, लाला शर्मा है ना पार्षद यहाँ का, लाला शर्मा इसने। हाँ। हमें लाइट का वो NOC नगर पंचायत से दिलाई सर। हाँ। 10,000 रुपए लिए उसके। दरअसल शासकीय भूमि पर प्लॉट काट कर बेच दिए, जिन पर लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाकर मकान निर्माण किए, लेकिन राजस्व विभाग को शिकायत प्राप्त होते ही विभाग ने कार्यवाही करते हुए मकान ध्वस्त कर दिए। राजगढ़ नगरी क्षेत्र में 3 सर्वे नंबर है, 577, 577 और 584, तो जो शासकीय भूमि है और नगर मत की है। कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण करके अपने अपने मकान बना लिए, जबकि किसी भी प्रकार किसी को कोई फ्लैटेड नहीं है और कुछ भी नहीं है, बिना सूचना के और बिना उसके अतिक्रमण करके बना रहे। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या अब प्लॉट बेचने वालों पर कोई ठोस कार्यवाही हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।